गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट. इन लास्ट ऑनलाइन वीडियो वी स्टार्ट 23 नंबर चैप्टर नेचुरल डिजास्टर. और इस नेचुरल डिजास्टर में हमने देखा कि नेचुरल डिजास्टर किसे कहते हैं. जैसे कि नेचुरल डिजास्टर एक वेरी सीरियस मिसहैप्स है, वन इन विच पीपल और एनिमल्स कैन गेट इंजर्ड और डाई. इसमें इंसान मरते भी है, इंजर्ड होते हैं, जानवर इंजर्ड होते हैं, मरते हैं. क्रॉप्स एंड अदर प्रॉपर्टीज इज डिस्ट्रॉयड. क्रॉप्स, फसलें, खेती बाड़ी सब डिस्ट्रॉय होते हैं. एंड हाउसेस कोलैप्स, और घर पत्तों की तरह बिखर जाते हैं. उसके बाद हमने देखा कि फर्स्ट नेचुरल डिजास्टर देखा, उसमें देखा कि अनटाइमली रेन. अनटाइमली रेन मतलब क्या? बिना वार्निंग दिए हुए आने वाली बारिश, मतलब बारिश के दिनों में नहीं, बारिश के दिन छोड़कर आने वाली बारिश, जो क्या करती है, बहुत ही उथम पुथम मचा देती है. आज हम सेकेंड नेचुरल डिजास्टर देखने वाले हैं, जिसका नाम है फ्लड, जिसे हम कहेंगे बाढ़. मराठी में उसे बोलते हैं पूर. देखिए, अब समटाइम्स ड्यूरिंग द मानसून, बहुत बार क्या होता है, मानसून के दिनों में, मतलब क्या, रेनी सीजन में या बारिश के दिनों में, इट रेन्स हेवीली, बहुत ही जोरों की जोर से बारिश आती है. एंड कंटिन्यूसली फॉर 3 or 4 days, और वो लगातार दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन तक चलती रहती है. जोरों की बारिश उसके साथ इतने दिन तक लगातार चलती रहती है. दिस कॉजेज द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर टू राइज, और इसी की वजह से नदी के पानी का स्तर बढ़ जाता है. देखिए, जोरों की बारिश आने के बाद, मतलब जोरों की बारिश चलती रहती है, और वो कितने दिन तक चलती रहती है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन. इसी दौरान क्या होता है, नदी के पानी का स्तर बढ़ जाता है. दैट इज द रिवर गेट्स फ्लडेड, और इसी वजह से नदी को बाढ़ आती है. इफ इट डज नॉट स्टॉप रेनिंग, अगर ये बारिश बहुत ही जल्द नहीं रुकी, मतलब रुक नहीं गई, तो सेटलमेंट्स ऑन इट्स बैंक्स कैन ऑल्सो गेट फ्लडेड, तो उस नदी के किनारे रहने वाले लोग, जो बस्तियां है, जो घर है, जो गांव है, वो क्या होते हैं, पूरे के पूरे पानी में फंस जाते हैं, मतलब बाढ़ के पानी में फंस जाते हैं, यानी कि वो बह जाते हैं. मड हाउसेस ऑन द रिवर साइड कोलैप्स ड्यूरिंग अ फ्लड. अब देखिए, फ्लड आने के बाद या बाढ़ आने के बाद नदी के किनारे में जो मड हाउसेस, मतलब क्या, मिट्टी के जो घर है, जो कच्चे घर है या मिट्टी के घर है, वो बिल्कुल पत्तों की तरह बिखेर जाते हैं, गिर जाते हैं. पीपल एंड एनिमल्स में डाई ड्यू टू ड्राउनिंग, बहुत सारे लोग या बहुत सारे जानवर इस दौरान मारे जाते हैं या बह जाते हैं. फ्लडिंग ऑफ सेटलमेंट्स कॉजेस प्रॉब्लम्स इन एवरीडे लाइफ, अगर सेटलमेंट में यानी कि बस्ती में या गांव में बाढ़ का पानी घुस गया, तो उसके बाद वहाँ पे रहने वाले लोगों के लाइफ में हर दिन के लिए प्रॉब्लम्स की शुरुआत हो जाती है, मतलब हर दिन उनको बहुत बड़े संकटों का सामना करना पड़ता है. एट सच टाइम, ऐसे वक्त, देखिए, हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए. वी शुड गो टू ए सेफ प्लेस एट अ हाइट, अगर आपके घर के पास, आपके गांव पे, गांव के पास अगर कोई ऐसी ऊंची जगह हो, ऊंची जगह पर आपको वहां पे जाना चाहिए और वहीं पे रुकना चाहिए. मतलब क्या, जैसे कि पर्वत हो, एक छोटी सी टेकड़ी हो, वहां पे अगर आप गए तो वहीं पे आपको रुकना चाहिए. और उसके बाद एंड कम बैक ओनली व्हेन द फ्लड वाटर्स रिसीड, और वहां से कब लौटना चाहिए, जब बाढ़ का पानी पूरी तरह से समाप्त हो गया हो, या पीछे रह गया हो, या कम हो गया हो. द करंट ऑफ फ्लड वाटर्स इज वेरी स्ट्रांग, देखिए, बाढ़ के पानी का बहाव बिल्कुल ही स्ट्रांग होता है, तेज होता है. इट इज डेंजरस टू स्विम इन फ्लड वाटर, और हमेशा याद रखना चाहिए कि कभी भी फ्लड के पानी में या बाढ़ के पानी में तैरना नहीं चाहिए. अगर ऐसे वक्त पे हम वहाँ पे तैरते हैं, तो हमारे जीवन के लिए या हमारे हमारे लाइफ के लिए बहुत ही खतरे की घंटी महसूस होती है, मतलब खतरा है, धोखेदायक रहता है बाढ़ के पानी में तैरना.
तो देखिए, फ्लड के बारे में हमने जानकारी ली, तो उससे पहले हमने अनटाइमली रेन के बारे में जानकारी ली। अब हम अगले ऑनलाइन वीडियो में अर्थक्वेक के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तब तक अगर फ्लड आने के बाद मैंने जैसे आपको बताया कि ऊंची जगह पे जाना चाहिए, मतलब सेफ प्लेस पे, सेफ प्लेस होते क्यों वहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि ऊंची जगह पे पानी जल्दी नहीं पहुँचता है। इसीलिए अगर हम वहाँ पे गए तो क्या होता है, पानी वहाँ तक ना पहुँचता नहीं है और हम सेफ रहते हैं। ओके, अगले ऑनलाइन वीडियो में हम अर्थक्वेक के बारे में जानकारी लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे हैप्पी।